हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ, यहाँ आप जानेंगे अपने शहर के मौसम का ताज़ा हाल। जी अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जी अगर आप हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ TR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी और अगर आपको हरियाणा के किसी भी ज़िले की मौसम की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखें ताकि हम आपको आपके ज़िले की मौसम की ताज़ा अपडेट दे सकें। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं मौसम का ताज़ा हाल। जी हाँ, हरियाणा में आज और कल फिर हो सकती है तेज़ बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हम आपको बता दें, हिसार मौसम विभाग ने फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आज और कल प्रदेश में तेज़ बारिश हो सकती है। हालांकि 27 सितंबर तक बारिश की संभावना मौसम विज्ञान जता रहा है। पिछले दो दिनों में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश हिसार में हो चुकी है, जिसके कारण प्रदेश में कई शहरों में दिन का तापमान सामान्य से 11 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। गौरतलब है कि पिछले दो दिनों से हो रही बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त है। लोगों के घरों में, दुकानों में और शहर के मुख्य मार्गों तथा पार्कों में भी पानी जाने से लोगों को दिक्कत हो रही है। पिछले दो दिनों में कई ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश औसत से भी अधिक हुई है। किसानों से मिल रहे इनपुट की माने तो अभी तक धान में 35% नुकसान, कपास में 42% तो मूंग और ग्वार में 47% नुकसान संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार द्वारा गिरदावरी कराने के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। इस नुकसान को लेकर किसानों ने विशेष गिरदावरी की मांग भी शुरू कर दी है। इस बारिश से कुछ फसलें सड़ने लगी हैं तो कुछ पूरी तरह से भीग गई हैं। इसके साथ ही धान और मूंग के दाने की गुणवत्ता भी प्रभाव पड़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र व साथ में राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने तथा अरब सागर से नमी वाली हवा आने की संभावना से हरियाणा में मौसम 27 सितंबर तक आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। 26 व 27 सितंबर को बीच बीच में बादल वायु व हवा गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश भी संभावित है। जी ये थी हरियाणा से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा अपडेट। जी आपको मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक TR न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।